गाइस एंड हैप्पी अक्षय तृतीया। तो आज है ईद और ये है मतलब शाम की टाइम, और ये जो झुनझुन झुनझुन आप सुन पा रहे हो ना, वो ध्यान बॉल लेके ऐसे झुनझुन कर रहा है, ठीक है। तो अभी शाम के टाइम है और आज मैं ईद स्पेशल कुछ बनाने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग कर लेता है, ठीक है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ शीर खुरमा। कम सबको हाय बोलो। तो सबको बोलो ईद मुबारक। मतलब समझ लो आप सब बोलो ईद मुबारक। बोले बाबले ट्राई किया बयान ने शाही करता है जो भी बोलती हूँ ना बोलने के लिए, क्योंकि सब कुछ बोल नहीं पाता। बो मतलब बॉल्स, बॉल्स को बयान बोलते हैं बो। तो चलिए अभी मैं बना लेती हूँ हम सबके लिए शीर खुरमा। तो शीर खुरमा बनाने के लिए यार तुम खिल करो जाओ। तो भूंगा टी नहीं आ। तो शीर खुरमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स लिया है, स्पेशली ड्राई फ्रूट। ये बयान जानबूझ के कर रहा है, ठीक है, दिखाओ। ये बयान जानबूझ के कर रहा है, जब भी मैं कुछ बोलने जा रही हूँ ना बयान म्यूट बजा रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिया है खजूर, क्योंकि खजूर मस्ट है इस रेसिपी में। और फिर यहाँ पे मैंने लिया है कुछ पिस्ता, ये सारे भिगोया था मैंने, भिगो के रख दिया था कुछ देर के लिए। और ये काजू लिया है और थोड़ा सा बादाम लिया है, और अभी मैं इसको चॉप करने वाली हूँ, ठीक है। तो पहले ना सेवई जो है ना वो उसको रोस्ट करनी है। तो मेरे पास ऑलरेडी रोस्टेड सेवई है, लेकिन फिर भी मैं इसको मतलब 2 चम्मच घी में मैं हल्का सा मैं इसको भूनने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ घी, मैं थोड़ा सा सेवई डाल रही हूँ। और यहाँ पे सारे जो ड्राई फ्रूट्स है ना उसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। और सेवई ना अभी हल्का सा इसमें कलर जो है ना वो चेंज कर लिया है, तो इसको मैं अभी साइड में रख देती हूँ। तो मैंने सेवई को निकाल लिया है और अभी मैं इसमें ना थोड़ा सा और घी डालने वाली हूँ, इतना सा। बहुत ज़्यादा घी अगर दो तो अच्छा लगता है, लेकिन मैं उतना ज़्यादा घी इसमें ऐड नहीं करने वाली हूँ। और घी डालने के बाद सारे जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह है ना सब कुछ इसमें डाल दूंगी। और इसको ना हल्का सा हम लोग रोस्ट करने वाले हैं, हल्का सा। तो इसको मैंने हल्का सा भून लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। और उसके बाद मैं इसमें मिलाऊंगी दूध, तो दूध मेरे पास इतना ही है। और हाँ, ये बिल्कुल बॉइल्ड मिल्क है, फिर भी मैं इसको थोड़ा सा और पकाऊंगी। और इसके अंदर ना मैं ये जो 2 हरी इलायची आप देख पा रहे हो, ये 2 हरी इलायची के दाने मैं अलग करके इसके अंदर डालने वाली हूँ फॉर फ्लेवर। ये मैं डालूंगी इसमें और इसको अच्छे से उबाल आने दीजिए। इसको मैंने ना 7-8 मिनट के लिए अच्छे से मैंने बॉयल होने के लिए दिया है। तो अभी ये थोड़ा सा थिक भी हो गया है, आप देख सकते हो। और इसके अंदर हमने तो ऑलरेडी खजूर डाला है, तो खजूर ना धीरे धीरे से मेल्ट हो जाएगा। और मैं इसमें डालूंगी चीनी, तो चीनी आप आपके अकॉर्डिंग डालिए, कितना मीठा आपको पसंद है। तो हम लोग ना बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाते हैं, बस इतना ही मैं डालूंगी। आई थिंक हो जाएगा, बाद में मैं चेक करूंगी, अगर थोड़ा सा मीठा और ज़्यादा चाहिए तो फिर वो ऐड करेंगे। तो अभी चीनी को घुलने देते हैं। ये देखिए कितना अच्छे तरीके से थिक हो चुका है दूध। तो अभी ना मैं इसमें ये जो सेवई है ना वो डालने वाली हूँ, और फिर ये सेवई पकने तक हमें वेट करना है।
सो ये देखिए इट्स डन, और मैंने थोड़ा सा थिक रखा है और हम लोग जस्ट अभी अभी खाने वाले हैं, तो इसलिए अगर आप ठंडा करके खाना चाहते हो ना तो थोड़ा सा और मतलब पतला रखना, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद थोड़ा सा जम जाता है। तो मैं इसको ना ये वाले कटोरी में सर्व करती हूँ। चाउमीन पापा, इट्स योर चाउमीन, चाउमीन, चाउमीन। व्यान को तो सेवई चाउमीन करके पता है, तो इसलिए मैंने व्यान को कहा कि चाउमीन पहले आप टेस्ट कर लो और फिर फीडबैक दो कि कैसा बनाया, और देखिए पेट का हालत। नहीं व्यान टेस्ट नहीं करेगा, आप अगर नहीं खाओगे ना तो वो नहीं खाएगा, क्योंकि मुझे पता है व्यान अगर कोई भी और चीज दो ना तो अगर हम लोग नहीं खाते ना अच्छा बना है। बहुत बढ़िया बना है, मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया था, इट वाज सो यम्मी, बहुत टेस्टी बना था। वी हैव टू टेस्ट फॉर बेट दैट। कैमन भालो मामा को गुड जॉब कर दो। गुड जॉब है मामा। अगर व्यान को कोई भी चीज पसंद ना आता है ना तो वो आपको गुड जॉब नहीं दिखाएगा, मतलब अच्छा बना है मतलब ऐसे बोलेगा, लेकिन अगर व्यान को पसंद आता है देन ही वो ये गुड जॉब दिखाता है। व्यान मम्मा खाई दो कॉफी, व्यान मम्मा को खाई दो, वाटर रखो, वाटर रखो, वाटर लेके दो, हां मम्मा खाई दो, तू खाई दो, ना काम करो, स्पून डालो। It was so good, na? इतना यम्मी बनाया ना गाइस, बहुत टेस्टी बनाया। राइनोसरस एंड हिप्पोपोटामस कोथाय, ये बुके आछे देखना, ठीक दिखाएगा। देखो राइनोसरस एंड हिप्पोपोटामस। अभी ब्रोकोली दिखाओ, ब्रोकोली 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 ब्रोकोली, यस वेजिटेबल वाले बुक में ब्रोकोली दिखाओ मुझे, कहाँ पे है ब्रोकली, ब्रोकली ब्रोकली दिखाओ, यस गुड जॉब। अभी वाटरमेलन दिखाओ, वाटरमेलन कौन से बुक में है, वाटरमेलन इस बुक में है बाबू, ए फ्रूट्स वाले बुक में, ए जे मम्मा ए जे ए बुक क्या है, वाटरमेलन मम्मा के दिखाओ तो, वाटरमेलन को था, वाटरमेलन, यस गुड जॉब। इट वाज सो यम्मी गाइस, इतना टेस्टी बना था ना खाने में, जस्ट मन भर गया। तो जितना भी मैंने बनाया था ना मतलब दो लोगों से ज्यादा ही था जितना मैंने बनाया, उसको चार लोग खा सकते थे लेकिन सारा फिनिश हो गया। तो आधे से ज्यादा तो मेरे हस्बैंड ने खत्म कर दिया और बाकी का थोड़ा सा व्यान ने खाया, थोड़ा सा मैंने, मतलब व्यान को हमने थोड़ा थोड़ा ही खिलाया। बहुत टेस्टी बना था, मैंने सोचा कि थोड़ा सा रख दूँ फ्रिज में ताकि कल भी मैं खा पाऊँ, लेकिन नहीं खत्म। तो ये चीज़ ना मतलब ये जो कुरियर ना दो दिन पहले मैंने रिसीव किया था तो अभी तक ओपन नहीं किया मैंने, तो ये मैंने मंगवाया है, क्या है वो मैं दिखाती हूँ। तो ये ना एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, इनफैक्ट जिनके घर में बच्चे हैं ना उनको तो ये चीज़ लेना ही चाहिए, कोई स्पॉन्सर नहीं है गाइस, मैंने खुद अपने पैसों से लिया है। तो ये मैंने अमेजोन से मंगवाया है, क्या है मैं दिखाती हूँ, बहुत ज़रूरी थी, काफ़ी दिन पहले हमें लेना चाहिए था लेकिन लेंगे लेंगे करके मैं ले ही नहीं रही थी, तो ये फाइनली आ गया हमारे पास। सो ये क्या है बेसिकली मैं बता दूँ, तो ये है मैट्रेस कवर, जी हाँ। तो मेरे पास जो मैट्रेस है ना, मेरे पास वेबफिट का ही मैट्रेस है, तो उसका कवर ऑलरेडी है उसका, लेकिन क्योंकि हमारे पास बेबी है और वो बिस्तर में कभी कभी सुसुक कर देता है, ठीक है, तो ऑलरेडी इस मैट्रेस में ना विहान ने 10-12 बार आई थिंक सुसुक कर दिया है, जी हाँ हो गया।
तो अभी मुझे लग रहा था नहीं अभी तो लेना ही हमें है, तो ये वाटरप्रूफ कवर है, मीन्स आपके मैट्रेस को ये प्रोटेक्ट करेगा अगर आपके पास बेबी है, और अगर आप अपना मैट्रेस बचाना चाहते हो ना, देन एक अच्छा क्वालिटी का अच्छा कंपनी का मैट्रेस कवर आप जरूर लो, ताकि आपके मैट्रेस जो है ना वो बच जाए। ये इसका रिव्यू मैंने चेक किया था, तो सब लोगों ने कहा था कि अच्छा ही है, तो मैंने ऐसे व्हाइट कलर का मंगवाया है। इसमें और भी दो तीन कलर आई थिंक था, लेकिन मैंने व्हाइट ही मंगवाया है, क्योंकि व्हाइट सबके अंदर मतलब नीचे चला जाता है, और मैक्सिमम मैं बेडशीट जो है ना वो व्हाइट प्रेफर करती हूँ, तो इसलिए व्हाइट मैंने मंगवाया है। सो ये वाटरप्रूफ है, अगर ध्यान इसमें सुसु भी कर देगा ना तो मेरा मैट्रेस खराब नहीं होगा, तो आज मैं इसको लगाने जा रही हूँ। तो ये हमने हमारे बेड के साइज के अकॉर्डिंग लिया है, हमारे बेड के साइज 78x72 किंग साइज बेड है, और हाँ ये हमने लिया है ना वेकफिट ब्रांड का, यहाँ पे आप लोगो देख सकते हो, सो वेकफिट ब्रांड का लिया है। तो चलिए अभी इसको लगाते हैं और हमारे मैट्रेस को बचाते हैं। और मुझे आज बेडशीट भी चेंज करनी थी, तो मैंने सोचा एकदम कवर पहना के बेडशीट भी मैं चेंज कर लूं। मैट्रेस है ना उसका कवर ऑलरेडी व्हाइट है, एंड इसमें आप देख सकते हो कितने सारे निशान हैं। मैं ये कुछ दिन पहले वॉश कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी ये उतना ज़्यादा अच्छा से वॉश नहीं हुआ ये, क्योंकि मैंने मशीन में वॉश किया था। बहुत अच्छे तरीके से ये मतलब क्लीन नहीं दिख रहा है, और ये सारे जो निशान है ना ये अभियान के सुसु के निशान है, तो मेरा मैट्रेस और ख़राब ना हो तो इससे पहले मैं इसको मतलब कवर चलाना चाहती हूँ, तो मैं हस्बैंड का हेल्प लूंगी। सुनो ना, आओ ना यहाँ पे। और हाँ, अगर आप इसका लिंक चाहते हो ना तो मैं इसका लिंक प्रोवाइड करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे छोटे बच्चे के मम्मीज मेरे वीडियो देखते हैं, तो उनको भी शायद चाहिए होगा। अगर चाहिए होगा ना तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो, मैं लिंक देने वाली हूँ। और हाँ, जब तक हस्बैंड ना आते हैं तब तक मैं कुछ और चीज़ें दिखाती हूँ। मैं और दो चीज़ मैंने ये लगानी है, तो मैं और दो चीज़ें मैंने लिया है व्यान के लिए, तो व्यान का ना दो चीज़ें ख़त्म हो गई थी, तो मैंने एटफर्स्ट जो लिया है ना वो है सेवामेट की बेबी वॉश एक्स्ट्रा सॉफ्ट। सो ये मैं मतलब एकदम पहले से यूज़ कर रही हूँ, तो ये ख़त्म हो चुका था। मैं ये व्यान का एज अ फेस वॉश भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये एक्स्ट्रा सॉफ्ट है, और इसको मैं एज अ बॉडी वॉश भी यूज़ करती हूँ, तो ये मतलब एक ही बॉटल जो है ना वो ध्यान को मतलब पूरा क्लीन करने में मैं यूज़ करती हूँ। तो मुझे पर्सनली सेवामेट का प्रोडक्ट्स मुझे दी बेस्ट लगता है। मैं कई सारे ब्रांड्स ट्राई कर चुकी हूँ ध्यान के ऊपर, लेकिन सेवामेट की प्रोडक्ट्स दी बेस्ट है गाइस, लेकिन सेवामेट बहुत ज़्यादा प्राइसी है। और ये मैंने ऑर्डर किया है, सो ये है बेबी डेली लोशन सेटाफिल का विथ शिया बटर। तो ये मैं ना गर्मी के टाइम मैं ये यूज़ करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि सेवामेट का जो बॉडी लोशन है ना, एक तो सेवामेट बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली आता है, और बॉडी लोशन ना थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, जैसे बॉडी वॉश भी उतना ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन बॉडी लोशन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, और सेवामेट का बॉडी लोशन मुझे थोड़ा सा थिक लगता है, तो इसलिए समर में मैं ये यूज़ करती हूँ सेटाफिल का। तो ये ना काफ़ी ज़्यादा मतलब लाइट है फॉर समर, मुझे अच्छा लगता है। तो ये दोनों मैंने मंगवाया है बड़े साइज़ का, ताकि ये काफ़ी दिन चला जाए। और हाँ, हस्बैंड ने इसको खोल लिया है तो मैं इसको दिखाती हूँ। तो ऊपर का ना ऐसे कुछ इस टाइप का मटेरियल है, आप देखो, फोकस कर लो, हाँ कुछ इस टाइप का मटेरियल है, ठीक है, थोड़ा सा टावल टावल टाइप का ना। और फिर इसके जो नीचे है ना, तो ये ना कुछ वो रबर टाइप का मटेरियल है, और ये ना मतलब इलास्टिकेटेड है, मीन्स इसको आप कॉर्नर में ऐसे करके लगा सकते हो, है ना, अच्छा ही है, बोलो। ठीक ही है, इलास्टिकेटेड होने से ना अच्छा है,
तो मैं जब रिव्यू चेक करी थी ना इस चीज का, तो काफी लोगों ने ना इसके ऊपर पानी डाल के देखा है कि ये काम करता है या नहीं, पर उन्होंने देखा कि काम करता है। थोड़ा सा पानी डाल के देखो क्या, देखो देखती हूँ ये काम करता है या नहीं। वाह, इट्स नाइस एंड फिटेड नाउ। अभी आप पकड़ो ये कैमरा, मैं थोड़ा सा टेस्ट करके देखती हूँ। मैं बॉटल लेके आई हूँ, कॉर्नर में डालो, कॉर्नर में। हाँ, कॉर्नर में मैं डालने वाली हूँ। ऐसे यहाँ पे ही डालू ना, मैं थोड़ा सा ही पानी डाल रही हूँ। अभी ये कैसे पता चलेगा, मैट्रेस के अंदर हाथ दे के देखू कि गया है नहीं। ओ नो, नहीं यार, ये इसके वजह से ना नहीं जाएगा। अच्छा चीज है, बिल्कुल भी नहीं गया। क्योंकि ये सारे चीजें ना, मतलब आप कुछ पर्पस से खरीदते हो, अगर काम नहीं करता है ना तो मतलब अच्छा नहीं लगता। तो ये काम कर रहा है तो आई थिंक आई विल लाइक इट। और इसका प्राइस भी ज्यादा नहीं लिया है, आई थिंक 800 समथिंग लिया है। तो मैं अभी इसके ऊपर बेडशीट चलाती हूँ। हम जब छोटे थे ना, तब मम्मी क्या करती थी, मतलब हम जब एकदम छोटे थे तब मम्मी बेड के नीचे ना प्लास्टिक टाइप बिछा के रखती थी ताकि मैट्रेस वगैरह गंदा ना हो। तो मम्मी ने मुझसे ऐसा ही कहा कि तुम भी नीचे प्लास्टिक या शीट ऐसा कुछ बिछा लो, वैसे ना मुझे नींद नहीं आता है। मतलब बेडशीट के नीचे कुछ रहेगा प्लास्टिक सा, मुझे नींद आएगा ही नहीं। तो इसलिए मैं यहाँ पे ना बैठ के देखना चाहती हूँ कि ये कैसा है। तो पहले जैसे मतलब थोड़ा सा कॉटनी फील हो रहा था ना, लेकिन अभी ये कवर लगाने के बाद ना ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मतलब सिंथेटिक टाइप का है कुछ नीचे, ऐसा साउंड भी आ रहा है ना। लेकिन फिर भी इट्स ओके, उतना ज्यादा अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा है। इट्स ओके, फाइन, मैट्रेस बचाने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, है ना। कुछ दिन पहले मैंने इस एग्लोनिमा प्लांट का मैंने दिखाया था ना कि एक पत्ते आ रहे थे, और देखिए अभी ये पत्ते खुल गए हैं और कितना अच्छा लग रहा है ना, एकदम फ्रेश फ्रेश पत्ता है ये नया। और फिर इसमें ना थोड़े बहुत ये कलर आना भी स्टार्ट हो गया, मीन्स ऐसा पिंक कलर आना भी इसमें स्टार्ट हो गया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। प्लांट जब ग्रो करता है ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, कहाँ आना है? हाय 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 बोलने के लिए मैंने बोला है क्या? मतलब मम्मा जहाँ है विहान को वहाँ पे रहना है। ओके गाइस, और इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे खत्म। तो लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो, और सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। यान सो गया, बाय के बोल बे, बाय बाय बोलो, बाय बाय बोलो, बाय बाय बाय।